ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें शंकराचार्य स्वरूपानंद और सरस्वती के शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ में नजरबंद कर दिया। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के वीडियो में कथित तौर पर शिवलिंग दिखा था और इसके बाद लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को ज्ञानवापी में पूजा करने की घोषणा की थी। इसके बाद आपको बता दें अभी मुक्तेश्वरानंद ने घोषणा करते ही वो ज्ञानवापी में 71 लोगों के साथ पहुंचेंगे, ये उन्होंने कहा, और पूजा करेंगे। इसकी जानकारी के बाद वाराणसी पुलिस ने अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्ञानवापी जाने की इजाजत नहीं दी। करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से एक व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है। भारत देश में सनातन धर्मियों की आस्था का ये हाल है। उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन लगा रहे हैं, लेकिन हमको पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। न्यायालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, नहीं है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा? तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? हमने कमिश्नर साहब को स्वयं अपने मोबाइल से ये याचिका रात को भेजी है। हमने अपने आदमी को उपायुक्त के कार्यालय में पत्र लेकर के स्वयं भेजा है। वो वीडियो निकालो जो उसने पत्र दिया है। ये कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। हमारे पास अभी मुक्तेश्वरानंद हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, ये खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 71 लोगों के साथ पूजा करने के लिए ऐलान उन्होंने किया था, ज्ञानवापी पहुंचने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद लगातार मठ के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूजा अर्चना की बात उन्होंने की थी और जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 71 लोगों के साथ पूजा अर्चना के लिए ऐलान किया था उन्होंने और पैदल जाने का ऐलान किया। और इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे वाराणसी से आकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया था कि ज्ञानवापी वो पहुंचेंगे और 71 लोगों के साथ पैदल मार्च करते हुए वो पहुंचेंगे और वहां पूजा आराधना करेंगे, लेकिन चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती और वही पुलिस ने किया है, हाउस अरेस्ट करने की सूचना आ रही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये ऐलान 2 जून को ही उन्होंने कर दिया था। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो कथित शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी परिसर के अंदर, उसे पूजा अर्चना उसके साथ जलाभिषेक की अनुमति के न्यायालय का प्रतीक्षा नहीं कर सकता, न्यायालय काफ़ी देर हो गया है, ऐसे में मैं स्वयं जाऊंगा और पूजा अर्चना करूंगा। तो इन्होंने एक लिखित पत्र डीसीपी काशी जोन को दिया था और अनुमति मांगी थी। हालांकि डीसीपी काशी जोन आर एस गौतम ने इस पे इनको अनुमति नहीं दिया। उसके साथ ही आज सुबह जब ये 8:30 बजे निकलने वाले थे, उस समय घर पर 6 थानों की फोर्स पहुंची और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद इस वक्त हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, ये पुख्ता जानकारी। वहां पुलिस कितनी मौजूद है उनके घर के बाहर? देखिए, फोर्स की बात करूं तो 6 थानों की फोर्स लगी है। हालांकि जिस रास्ते से निकलते थे उन पूरी गली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वही बाप स्वामी जी का कहना था कि वो केदार घाट से होते हुए ललिता घाट जाएंगे और ललिता घाट से जल लेकर ज्ञानवापी परिसर में जाएंगे। तो ज्ञानवापी का जो द्वार है, जो गंगा घाट का द्वार है काशी विश्वनाथ का, वहां पर भी फोर्स तैनात किया गया है। वही ज्ञानवापी का गेट नंबर 4 पे भी फोर्स लगा दिया गया है। एलआईयू को अलर्ट कर दिया गया। किसी तरीके इस वक्त किसी मीडियाकर्मी से क्या स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने बातचीत की है, कुछ कहने की कोशिश की है? देखिए, स्वामी जी का कहना है कि देखिए, हम लोग 71 लोगों की अनुमति मांगे थे, लेकिन प्रशासन 71 लोगों की अनुमति नहीं दे पा रही, तो मैं स्वयं अकेले जाऊंगा और जो शिवलिंग मिला है उसे जलाभिषेक करूंगा, पूजा अर्चना करूंगा, तभी अन्न ग्रहण करूंगा, जलपान करूंगा। नहीं, यदि पूजा अर्चना की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने चौखट पे ही बैठा रहूंगा, क्योंकि इनका कहना है कि जब सनातन धर्म के लोग, जब धार्मिक आस्था से जुड़े लोग, जब साधु संत पूजा अर्चना के लिए निकल जाते हैं तो बिना खाली पेट निकलते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश, ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए, क्या वो कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे? देखिए, मैंने वही बात कहा कि वो अनशन पे बैठ गया और धरने पे वही बैठ गया अपने घर पे ही। उनका कहना है कि हम
अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक जो कथित शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी परिसर के अंदर उसे पूजा अर्चना की अनुमति नहीं मिली। मैं स्वयं अकेले जाऊंगा, प्रशासन मुझे अपने साथ लेके जाए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का बार बार पुलिस प्रशासन हवाला दे रही है क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। एक तरफ से न्यायालय में मामला, क्योंकि ज्ञानवापी का पूरा मामला जिस तरह से कोर्ट में है और इसीलिए किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती इस तरह से करने की, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि वो मान नहीं रहे, ये उनका ये कहना है 71 लोग नहीं तो मैं अकेला जरूर जाऊंगा ज्ञानवापी और पूजा आराधना करूंगा। बहुत शुक्रिया आकाश यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।